मॉर्निंग बच्चों, आप पूर्णांकों के बारे में सीखेंगे आज। आप गणित में बहुत कुछ सीख चुके हैं और मेरे साथ गणित का पूरा मजा लेके गणित पढ़ रहे हैं। गतिविधियों के माध्यम से आपको शंकु, बेलन, पिरामिड ये सब मैं बता चुका हूँ। चलो आज हम एक गणित की नई, जो कि छठी क्लास से शुरू होती है। पाँचवीं कक्षा में आप अंकों के बारे में जान चुके हैं, 1, 2, 3 ये तो पता है आपको। आप शून्य के बारे में जान चुके हैं, शून्य क्या होती है। देखो मान लीजिए यहाँ पर ये जो है दो, एक ये और एक ये, दो वस्तुएं हैं, दो वर्ग है। क्या है ये? दो वर्ग। अब ये दोनों में दो वर्ग थे ना, अब दोनों में हटा दिए। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक भी नहीं। अगर दो वर्ग है तो दो ऐसे लिखेंगे, और अगर एक वर्ग है तो एक को ऐसे लिखेंगे। और जब हम इस एक को हटा देंगे तो यहाँ पर अब कितने हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब क्या है? शून्य। जब कोई वस्तु हमारे पास एक भी नहीं होती तो उसे शून्य कहते हैं। इससे आगे आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की वीडियो, इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें, जाइएगा नहीं और मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या है वो नई टर्म, पूर्णांकों की नई टर्म है। आपका चैप्टर, आपकी बुक में चैप्टर 6 शुरू हो रहा है पूर्णांक। मेरे साथ करिएगा खेल खेल में, मजे मजे में, और कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा ताकि आपके आगे आने वाली कक्षाओं में काम आती रहे। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो दो बच्चे हैं, एक राम एक श्याम, दोनों ही मित्र हैं। दोनों पेन लेने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं और पेन की कीमत है 5 रुपये। तो राम क्या करता है, दुकानदार को 8 रुपये देता है और 5 का पेन खरीद लेता है। तो राम के पास कितने पैसे बच गए बताओ, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। 8 में से 5 घटा दिया, 3 रुपये बच गए, तो कर सकते हैं आप अभी तक। और इधर दूसरा बच्चा श्याम है, उसके पास 4 रुपये थे, उसने भी पेन खरीदना है। अब इसको कैसे घटाएंगे? अब आप लोगों को अभी तक ये नहीं आता घटाना, आज हम छठी कक्षा में इसको कैसे घटाएं यही सीखना है। आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना जान चुके हैं, परंतु छोटी में से बड़ी संख्या आपको घटाना नहीं आता। छठी कक्षा से शुरू होती है आपके पूर्णांकों की धारणा, जिसमें छोटी संख्या में से बड़ी संख्या भी हम घटा सकते हैं, उसको देखते हैं। अब इसके पास केवल 4 रुपये है, तो इसके पास 3, यहाँ से 1 रुपया उधार ले लेगा वो, यहाँ से क्या करेगा, 1 रुपया उधार ले लेगा, तो इसके पास 5 हो जाएंगे और ये पेन खरीद लेगा। तो यहाँ पर इसके पास, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर इसके पास 2 बचेंगे और इसके पास कितने बचेंगे, यहाँ पर ये माइनस का 1 आएगा। कैसे आएगा माइनस का 1? क्यों? क्योंकि इसने तो उधार लिया ना 1 रुपया, 1 रुपया इसके पास शॉर्ट पड़ा, कम पड़ा। ये माइनस का जो ऋणात्मक चिन्ह है ये कम को दर्शाता है, कम को या उधार को दर्शाता है। भाई इसने 1 रुपया उधार ले लिया, तो इसके पास बचे 3 रुपये, इसके पास बचा माइनस का 1। जब इसने इसको दे दिया, 3 में से 1 और दे दिया उसको, तो इसके पास बच गए 2 रुपये और इसके पास माइनस का 1 रुपया बच गया। तो इस प्रकार से आपने ये कंसेप्ट को समझना है। चलिए अब और देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि उधार की जो रकम राशि है उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। जैसे आपकी मम्मी आपके घर के आसपास, देखते हैं आप कि आप पिकनिक पर जाते हैं, आपकी मम्मी के पास 6 केले, कितने केले हैं, और 8 बच्चे पिकनिक पे गए, तो आपकी मम्मी के पास केले कम है, वो देती है ताकि बच्चों को केले पूरे पूरे मिल जाएं, पूरे पूरे केले मिल जाएं। तो क्या करती है, वो 2 केले अपने पड़ोस से उधार लाती है, 2 केले पड़ोस से उधार लेके आती है, तो उसके पास अब 8 किलो हो जाएंगे और 8 बच्चों को दे देगी। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे हम, उसने 2 केले भी देने हैं ना, वो पड़ोस से उधार लेके आई, अगली बार जब उनके घर केले आएंगे तो पहले पड़ोस को दे देगी, तो उसके पास कितने केले, घटा के 2 केले हैं, इसको हम माइनस के चिन्ह से लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास एक नई रकम आ गई है, -1, -2, -3, इनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा तापमान, आप सभी जानते हैं गर्मी होती है, गर्मी को तापमान में मापते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान सुना आपने, 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और आपने ये भी सुना होगा कि कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर तापमान -5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये नई टर्म है ना, ये -5 का क्या मतलब है,
बच्चों माइनस पांच का मतलब होता है ये जीरो डिग्री, यानी कि जीरो से कम, इधर वाले जीरो से कम, शून्य से कम, और यहां आएंगे शून्य से अधिक। ये हमारे सारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूरे पूरे अंक। क्या होता है पूर्णांक? पूर्णांक समझे आप पहले, आप पूर्णांक पूरे पूरे अंक, यानी कि इसमें हिस्से नहीं है, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो ये इधर वाले, ये प्लस के हैं, इनको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, इनसे तो आप पहले ही परिचित हैं। एक दो तीन चार लिखते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारी जीरो पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक, और ये यहां से शुरू होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋण, जैसे नाम से पता चलता है ऋणात्मक, ऋण का शब्द का मतलब पता है आपको, लोन, मतलब हमने कुछ पैसे उधार ले रखे हैं, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। इसको हम एक उदाहरण और से करते हैं। जैसे मैंने बनाया हुआ है आपका चित्र यहां पर, ये कुआं है, ये कुएं की गहराई में जाना है, एक ऊपर जाना है, ये एक मीटर, दो मीटर, तीन मीटर, चार मीटर, पाँच मीटर, छः मीटर, सात मीटर, आठ मीटर, ये ऊपर की तरफ एक मीटर, दो मीटर, तीन मीटर, चार मीटर, पाँच मीटर। तो किसी व्यक्ति ने कुएं के अंदर जाना है तो कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली चीज़ को कैसे लिखेंगे, ये समझना है आपने। जब अंदर नीचे वाली चीज़ को लिखेंगे, जीरो से नीचे गया ना, तो ये ऋण माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस है। जब ऊपर गया तो एक दो तीन चार पाँच, हम देखते ही समझ जाएंगे। अब हमने माइनस एक लिखा तो यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हम देखते ही पता चल जाएगा कि व्यक्ति कुएं के नीचे गया है या समुद्र के नीचे गया है, ठीक है। अगर हम कहते हैं माइनस पाँच रुपये, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस पाँच रुपये, यानी कि उसने पाँच रुपये देने हैं। और अगर हम कहेंगे पाँच रुपये, तो उसके पास पाँच रुपये हैं। मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।